हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति, यू आर वाचिंग फैशन इंप्रेशन। आज मैं आपके साथ 5 ऐसे डिज़ाइन शेयर करूंगी जो आप अपनी प्रिंटेड साड़ी को रीयूज करके बना सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई प्रिंटेड साड़ी घर पर जरूर पड़ी होती है, तो उस प्रिंटेड साड़ी को, चाहे उसका फैब्रिक जॉर्जेट हो या शिफोन हो या कोई भी आपका फैब्रिक है, उसमें आप इन ड्रेसेस को क्रिएट करा सकते हैं। बहुत ही सुंदर आउटफिट ये। तो जो फर्स्ट आउटफिट है वो एक 3-पीस सेट है, उसमें आपका एक प्लाजो ब्लाउज यानी कि क्रॉप टॉप और एक जैकेट आएगी, शर्ट आएगा। तो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिंटेड साड़ी में बहुत ही अच्छे तरीके से बनवा सकते हैं, जैसे कि पिक में दिखाया गया है। इस पिक में देखिए बहुत ही सटल कलर का यूज़ किया गया है, बहुत ही सिंपल सोबर प्रिंट है इसका। और इसमें जो है प्लाजो फ्लेयर वाला बनाया गया है, बेल्ट वाला, पीछे से इलास्टिक आप लगवा सकते हैं, कंफर्टेबल रहता है उसमें। आप बेल्ट वाला एक प्लाजो क्रिएट करा सकते हैं और उसमें क्रॉप टॉप बनवा सकते हैं, नूडल स्टेप वाला बनवा सकते हैं, क्योंकि जो हमने ऊपर श्रग इसका बनवाना है ना, वो फुल स्लीव्स का या अम्ब्रेला कट स्लीव्स, आप किसी भी तरह की स्लीव्स रख सकते हैं। तो इसीलिए अगर उसमें हम नूडल स्टेप, जो बारीक पट्टियों वाले जो स्टेप होते हैं, वो अगर उस टाइप का जो ब्लाउज बनवाएंगे तो वो श्रग ऊपर से जब हम ये करेंगे तो वो बहुत ही सुंदर लुक आएगी, बहुत ही प्यारा एक अच्छा लुक लगेगा। इसको आप एथनिक वियर में भी पहन सकते हैं, फेस्टिवल सीजन में भी पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी एक लुक है। इस तरह के मैं आपके साथ ये 2-3 डिज़ाइन 3-पीस में शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ट्रेंडी है, और आप इसमें अपनी कोई भी प्रिंटेड साड़ी से इसको बनवा सकते हैं। सेकेंड जो आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इसी तरह से 3-पीस सेट में ही है और इसी से सिमिलर है, इसी की तरह से है, बट उसमें हमने प्लाजो बनाया था, जैसे कि प्रिंटेड साड़ी का जो कपड़ा था उसमें हमने प्लाजो बनवाया था। यहाँ पे हम प्लाजो ना बनवा कर कलीदार या फिर प्लेट्स वाली स्कर्ट बनवा सकते हैं। और जो इस साड़ी का जो पल्ले वाला जो पार्ट होगा, अगर आपकी कोई साड़ी प्रिंटेड है और उसका ऑल ओवर प्रिंट एक जैसा है और पल्ले पे कुछ अलग टाइप का प्रिंट है, तो आप जो पूरी साड़ी है उसमें से आप एक स्कर्ट और श्रग बनवा सकते हैं, और जो पल्ले वाला पार्ट है उसमें आप एक क्रॉप टॉप या ब्लाउज क्रिएट करा सकते हैं। तो ब्लाउज पर आप कुछ लेसिस का यूज़ कर सकते हैं, नेक पर और इस जगह पर लेसिस का यूज़ कर सकते हैं, और जो आपका जो श्रग होगा आप उसमें एंड के जो श्रग में जो अपने कलियां अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, साड़ी का फैब्रिक कम पड़ जाए, तो आप उसमें ए शेप का श्रग बनवा सकते हैं, और उसमें आप लास्ट में नीचे की साइड फ्रिल ऐड करवा सकते हैं, उससे जो उसका फ्लेयर और बड़ा हुआ नज़र आएगा और बहुत ही प्यारी लुक क्रिएट होने वाली है। तो इस आउटफिट को, इस आइडिया को जरूर ट्राई करिएगा। ये जो दोनों आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर करे हैं श्रग वाले 3-पीस सेट के, इसमें अगर आपको फ्लेयर बहुत ज़्यादा चाहिए ड्रेसेस में, जैसे प्लाजो में या स्कर्ट में और श्रग में फ्लेयर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप इसके साथ कंट्रास्ट का फैब्रिक लेके जो ऊपर का जो ब्लाउज है, क्रॉप टॉप है, आप उसको प्लेन फैब्रिक परचेज करके उसको अलग से बनवा सकते हैं। तो आपका जितना भी साड़ी का फैब्रिक होगा वो सारा आपके घेर में यूज़ हो जाएगा, चाहे वो श्रग का घेर हो या स्कर्ट का घेर हो या प्लाजो का। तो आपकी जो ऑल ओवर साड़ी है वो पूरी एक फ्लेयर में यूज़ हो जाएगी, और जो ऊपर को आप, ऊपर का जो पार्ट आपने उसको बनवाना है, आप उसका प्लेन फैब्रिक लेके कोई भी अच्छा सा उसके साथ मैच करके, कलर कंट्रास्ट में प्लेन फैब्रिक लेके उसका क्रॉप टॉप या ब्लाउज बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रिंटेड साड़ी है जिसमें ऑल ओवर साड़ी में तो प्रिंट दे रखे हैं, छोटे या बड़े किसी भी तरह का प्रिंट दे रखा है, बट जो साइड में है उसमें बॉर्डर बना रखा है, कई बार ऐसी साड़ी होती है जो पूरी प्रिंटेड साड़ी होती है बट जो उनका बॉर्डर होता है वो काफ़ी हैवी होता है, जरी वर्क कर रखा होता है या सीक्वेंस या 2-3 बॉर्डर मिलाकर एक बॉर्डर क्रिएट कर रखा होता है। तो अगर आपके पास इस तरह की साड़ी है तो आप उससे इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। इसमें जो प्रिंटेड वाला जो पार्ट है उससे आप ड्रेस का स्कर्ट एरिया बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर एक मैक्सी ड्रेस या गाउन, आप कुछ भी कह लीजिए, ऐसी एक ड्रेस बन सकती है। तो जो प्रिंटेड वाला पार्ट होता है उससे आप एक स्कर्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जो साड़ी का जो बॉर्डर है, अगर वो एक ही बॉर्डर है चौड़ा, तो आप उसको स्कर्ट के एंड में यूज़ कर सकते हैं। और अगर कई बार क्या होता है, कुछ छोटे छोटे लेसेस को मिलाकर साड़ी पर एक चौड़ा बॉर्डर बना रखा होता है, अगर इस तरह का बॉर्डर है तो आप उन लेसेस को अलग अलग करके बॉर्डर को खोल लें, बॉर्डर को अलग अलग कर लें, तो आपके पास बहुत सारी छोटी छोटी पतली वाली लेसेस एक साथ मिल जाएगी, तो आप उन लेसेस को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने जो उसमें कोई सीक्वेंस वाली या बारीक लेस है उसको आपने नेक पर यूज़ कर लिया, जो ड्रेस का अपर वाला पार्ट होगा उसके नेक पे यूज़ कर लिया, स्लीव्स पे आप लगा सकते हैं, या जो स्कर्ट का घेरा होता है उस पर लगा सकते हैं।
तो इस तरह से आपकी ड्रेस बहुत ही सुंदर क्रिएट हो जाएगी। और अगर ऑल ओवर साड़ी आपकी एक ही कलर में है, प्रिंट्स में है और सिर्फ बॉर्डर है, तो आप उसका कोशिश कीजिएगा कि जो उसका ऊपर वाला जो पार्ट होगा, चोली वाला जो पार्ट होगा, आप उसके लिए अलग से फैब्रिक परचेज कर लीजिएगा। उससे साड़ी के जो प्रिंट्स होंगे ना, उसके साथ मैच करके कंट्रास्ट से अलग से फैब्रिक परचेज कीजिए और उससे ऊपर वाला पार्ट बनाइए और उस पर लेसेस का यूज़ करके डिज़ाइन बनवाइए, जैसे इसमें दे रखा है इस पिक में तो, और नीचे जो घेर है वो पूरी साड़ी में से बनवाइए। तो ये कितनी अच्छी लुक आएगी, कोई भी ड्रेस आपके बनने के बाद कोई भी देखकर ये नहीं कहेगा कि ये आपने एक साड़ी में से क्रिएट करवाई है, और एक पार्टी वेयर ड्रेस बन जाएगी, बहुत ही सुंदर ड्रेस बनेगी। और अगर आपके पास साड़ी, प्रिंटेड साड़ी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है तो बहुत ही अच्छा है, ये ड्रेस बहुत ही सुंदर बनने वाली है ऑर्गेन्जा फैब्रिक में, क्योंकि इसका जो फ्लेयर है वो ऑर्गेन्जा की वजह से वो फ्लफी स्टफ होता है तो उससे और बढ़ जाएगा। तो साड़ी की जो लुक है वो इतनी सुंदर ड्रेस में बन के निकल के आएगी, बहुत ही सुंदर एक आउटफिट आपका रेडी हो जाएगा। जो फोर्थ आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कॉर्ड सेट है जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है। ये प्रिंट में हो या प्लेन हो, बहुत ही सुंदर इसकी लुक आती है। अगर इसका प्रिंट ब्यूटीफुल सुंदर सा ब्राइट शेड में प्रिंट हो तो इसका रूप और निखर के आता है। कॉर्ड सेट बहुत ही सुंदर लगते हैं और कंफर्टेबल भी काफ़ी होते हैं। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की प्रिंटेड साड़ी है तो जिसके ऊपर डार्क कलर का प्रिंट है, लाइट बेस पे डार्क प्रिंट है, या आपके पास कोई भी प्रिंटेड साड़ी है जिसके ऊपर पूरी साड़ी पर एक ही प्रिंट है बट जो उसका बॉर्डर दे रखा है वो अलग प्रिंट का है दोनों ही प्रिंट, एक ही साड़ी में दो तरह के प्रिंट दे रखे हैं, तो आप कुछ इस तरह का एक कॉर्ड सेट बना सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सिंपल आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये बहुत ही सुंदर एक ड्रेस बनने वाली है। आपको उसमें एक कॉर्ड सेट में जो लोअर होता है, मतलब प्लाजो जो होता है, आप उसको बनवा सकते हैं, और जो प्लाजो का जो नीचे वाला जो पार्ट होगा उसका, उस पर आप जो साड़ी का बॉर्डर होगा उसको लगवा सकते हैं, क्योंकि जो साड़ी का प्रिंट होगा वो कुछ अलग होगा और जो बॉर्डर का जो प्रिंट होगा वो अलग होगा। तो वो जो बॉर्डर का जो प्रिंट जब हम नीचे जो घेर पे लगाएंगे प्लाजो के घेर पे, तो काफ़ी उसको हाईलाइट करेगा, बहुत ही सुंदर लुक देने वाला है। इसी तरह से जो आप उसका ऊपर का टॉप बनवाएंगे, आप उसमें अलग अलग तरह के नेक शेप बनवा सकते हैं। आजकल वी नेक काफ़ी ट्रेंड में है, उसकी बलून स्लीव्स बनवा सकते हैं। स्लीव्स पर जो साड़ी का ही प्रिंट वाला बॉर्डर होगा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ बटन की डिटेलिंग्स करा सकते हैं आप इस कॉर्ड सेट में। कॉलर नेक वाला भी कॉर्ड सेट आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप कॉलर नेक भी बनवा सकते हैं। जो आपका कॉलर होगा वो आप साड़ी का जो बॉर्डर वाला प्रिंट होगा आप उससे बनवा सकते हैं, बाकी जो ऊपर की जो टॉप है उसका वो आप साड़ी के प्रिंट में से बनवा सकते हैं। और अगर आपको इस तरह से शॉर्ट जो कॉर्ड सेट में जो शॉर्ट कुर्ती वाले, शॉर्ट टॉप वाले जो कॉर्ड सेट होते हैं उसमें आप अगर आप अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो आप इसमें लॉन्ग कॉर्ड सेट या हाई लो पैटर्न का कॉर्ड सेट भी बनवा सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पिक में दिखा रही हूँ। तो हाई लो जो कॉर्ड सेट है वो भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, वो ऑल ओवर बहुत ही सुंदर लगता है। एक जैसा प्रिंट होता है ऑल ओवर में, जो ऊपर की जो कुर्ती होगी उसका प्रिंट्स और जो आपके प्लाजो का प्रिंट होगा वो सेम होगा बिल्कुल। तो आप इस तरह की जो आपकी प्रिंटेड ऑल ओवर साड़ी है उसमें इस तरह का एक कॉर्ड सेट भी बनवा सकते हैं। हाई लो पैटर्न बनवाने से वो कुछ ज़्यादा ट्रेंडी लगता है, बहुत ही सुंदर आता है, तो एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न क्रिएट हो जाता है। आप स्लीव्स पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अब एक ये आइडिया नंबर फिफ्थ है और बहुत ही सुंदर ये आइडिया है, ड्रेस बहुत ही सुंदर बनने वाली है इससे आपकी। कई बार क्या होता है हमारे पास कई साड़ी, प्रिंटेड साड़ी ऐसी होती हैं जिसमें दो तीन तरह के साड़ी में पैटर्न दे रखे होते हैं, कुछ ऊपर से प्लेन होती हैं, फिर प्रिंट कुछ अलग होता है स्कर्ट एरिया में, फिर कुछ प्रिंट अलग होता है, तो दो तीन तरह के जो प्रिंट है वो दे रखे होते हैं। तो उस जो वो वाली प्रिंट की साड़ी होती है उसमें बहुत ही सुंदर ड्रेस निकल के आने वाली है, जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है। इसमें देखिए जो स्कर्ट वाला जो पार्ट है उसमें दो तीन तरह के प्रिंट हैं, जो हमारा साड़ी का जो स्कर्ट वाला एरिया होता है जिसमें प्रिंट होते हैं उसको आपने उसी तरह से रखना है। तो जो स्कर्ट वाला पार्ट है उस प्रिंट वाली साड़ी में से बनवा लेना है, जो अपर पार्ट है उसके लिए आप सेम फैब्रिक उसी में से निकलवा कर कोई भी बीच में से प्रिंट का, या अगर पल्लू पे कुछ अलग टाइप का प्रिंट है उससे निकलवा कर आप अपर वाला पार्ट बनवा सकते हैं। नहीं तो सेम जैसा मैंने पहले वाली ड्रेस में बताया आपको कि आप मार्केट से उसके साथ का कंट्रास्ट का फैब्रिक परचेज करके आप अपर वाला पार्ट उससे भी बनवा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ड्रेस बनने वाली है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पांचों के पांचों जो फाइव आउटफिट मैंने आपके साथ शेयर करे हैं आपको पसंद आए होंगे,
और आप इनको यूज़ करके आप अपनी साड़ियों में से, पुरानी साड़ियों का यूज़ करके आप इन आउटफिट को बनवा सकते हैं अपने लिए, और बहुत ही सुंदर निकल के आने वाले हैं आउटफिट, और आपकी साड़ियों का भी बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा, और सभी आउटफिट बहुत ट्रेंडी है, तो आप इसलिए इन साड़ी, इन ड्रेसेस को आप अपनी पुरानी प्रिंटेड साड़ियों में से बनवा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस आगे भी अपलोड करती रहूँगी। और आपको किस तरह की साड़ी का रीयूज़ आइडियाज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।